देखिए, बड़ी दुखद घटना हुई है ये पौड़ी में, और इसमें हमने जो छात्रा को जलाने का प्रयास किया था उसका मुकदमा दर्ज किया था 307 IPC के अंतर्गत। और जब मुख्य अभियुक्त जो मैं अभियुक्त था इसमें, एक ही अभियुक्त था, तो वो अरेस्ट भी कर लिया गया था बंटी। और अब ये काफ़ी उपचार के बाद जो है लड़की की डेथ हो गई है, इसलिए अब इसमें धारा 302 IPC की बढ़ोतरी की जाएगी। 302 में तो प्रोविजन तो है, बाकी तो माननीय न्यायालय पे डिपेंड करता है, पर किंतु 302 चूंकि अब लग रहा है तो उसके बाद बिल्कुल संभव है, बिल्कुल सही है, बहुत ही जघन्य है। और आमतौर पे पहाड़ में तो अपराध बहुत ही कम है, तब भी इस तरह का जो देखने को मिला, तो हम तो अपनी ओर से जो बेस्ट पॉसिबल है विवेचना की जा रही है, बाकी माननीय न्यायालय जो भी इसमें वो होगा वो निर्णय पारित करेंगे। तो सर इसके लिए चार्जशीट वगैरह में भी जल्द से जल्द की तारीख से मतलब क्या? विवेचना बहुत अच्छी है और बहुत जल्द चार्जशीट जाएगी, कोई इसमें निसंदेह इसमें कोई शक ही नहीं।